देश में आईपीएल तो चल रहा है, लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर भी तेजी से फैल रही है। काफी लोग संक्रमित हुए हैं, काफी लोग जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं अब खबर ये भी सामने आई है कि एमएस धोनी के परिवार में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। एमएस धोनी के माता पिता जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कैसी है तबीयत उनकी बताते हैं आपको। देश में कोविड के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ देश के कई राज्यों में कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया है, जबकि कई जगह पर कर्फ्यू लगाया गया है। इसी बीच क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल हो रही है और इसमें भी कुछ खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी के घर में भी कोविड की एंट्री हो गई है। महेंद्र सिंह धोनी के पिता पान सिंह धोनी और माता देवकी देवी कोरोना संक्रमित पाई गई है। दोनों को रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों की तबीयत अभी ठीक है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी अभी सामान्य है। सिटी स्कैन कराया गया है, जिससे मालूम चलता है कि अभी संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। आईपीएल के मुकाबले भी इस साल सिर्फ 6 शहरों में होने वाले हैं। खैर, धोनी के परिवार में अब कोरोना की एंट्री हो गई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या माही आईपीएल का बबल तोड़ अपने घर वालों के पास रांची जा पाते हैं या नहीं।